संसद में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया लोकार्पण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। ईवीएम पर उठे सवालों को लेकर चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम पर गलत खबर फैलाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को बताया ब्लैक बॉक्स, ट्वीट कर लिखा भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आने वाले सभी चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की रखी मांग का, अगर तकनीक बन जाए मुश्किल की वजह तो बंद कर देना चाहिए उसका इस्तेमाल। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, छतरपुर इलाके में कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड के दफ्तर में किया पथराव। दिल्ली जल बोर्ड में तोड़फोड़ को लेकर जल मंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना, बोली बीजेपी ने गुंडों को लेकर हमला किया, हमला करने वाले में पूर्व सांसद भी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, कहा पाइपलाइन में लीकेज नेचुरल नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, पाइपलाइन को काटने की साजिश हो रही है। आज भी नहीं हुई सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात, सीएम योगी पहुंचे ऋषिकेश एम्स, रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों से मिले, एम्स में अपनी मां से भी मिले योगी। जम्मू कश्मीर में और तेज होगा आतंक विरोधी अभियान, सुरक्षा हालात पर अमित शाह की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला, अमरनाथ यात्रा की चाक चौबंद सुरक्षा पर भी मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसद सत्र को लेकर बैठक, मीटिंग में जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेता शामिल, स्पीकर पद पर मंथन जारी, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में पार्किंग को लेकर गुटों में पथराव, पुलिस की मौजूदगी में हुई पत्थरबाजी, महिलाओं को पीटा गया, टीएमसी पर मारपीट का आरोप, आरएएफ की तैनात। मुंबई उत्तर पश्चिम के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पर एफआईआर, पोलिंग बूथ में मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप, कांग्रेस ने जताया ईवीएम से छेड़छाड़ का अंदेशा। हैदराबाद के शमशाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बीजेपी विधायक राजा सिंह मेढक जाने की कर रहे थे तैयारी, पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते लिया फैसला। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी जारी रहेगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन, सीटों के बंटवारे पर जल्द हो सकती है बात, 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। उद्धव की शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप, कहा टीडीपी को तोड़ेंगे मोदी और शाह, चंद्रबाबू स्पीकर का प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो इंडिया गठबंधन करेगा समर्थन। सलमान खान को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, राजस्थान के बूंदी से एक आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर दी थी धमकी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश के लिए सेना का अभियान, एसओजी और सेना का सर्च ऑपरेशन, जंगलों में ड्रोन से आतंकियों की तलाश। दक्षिणी चीन में भारी बारिश से हुई लैंडस्लाइड, कई इलाकों में भरा पानी, घरों में कैद हुए लोग, सड़कों पर चलती दिखी नाव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसराइल ने दक्षिणी गाजा में 11 घंटे के लिए किया युद्ध विराम, ईद उल अजहा के चलते लिया गया फैसला, गाजा में बढ़ाई जाएगी मानवीय सहायता। Z News.